हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज मैं आपको फ्रेंच डिफेंस के बारे में, मैंने आज तक जो भी वीडियो अपलोड किए हैं मिनरल बेरी गैम्बिट के बारे में, उसमें कुछ हम गेम्स देखेंगे। दिस इज लास्ट वीडियो अबाउट फ्रेंच डिफेंस। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, नई ओपनिंग सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से आपको इंतजार रहेगा नई ओपनिंग के लिए, और वो ओपनिंग क्या है मैं अभी नहीं बताऊँगा, और आपके लिए सस्पेंस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं गेम्स ऑफ मिनरल बेरी गैम्बिट। मिनरल बेरी गैम्बिट यानी जो फ्रेंच डिफेंस में एडवांस वेरिएशन है उसमें है। तो देख लेते हैं, e4 कुछ गेम्स दिखाऊंगा, e6, d4, d5, e5, c5। दोस्तों यहाँ पे हम खेलेंगे वाइट से, हाउ टू प्ले, हाउ टू विन अगेंस्ट फ्रेंच डिफेंस। e4 e6 d4 d5 e5 c5 c3, यहाँ पे आपको सेंटर कंट्रोल, यहाँ पे पूरी गेम d4 के ऊपर डिपेंड है। तो c3 के बाद ब्लैक कंट्रोल करता है नाइट c6 से d4 के ऊपर, यहाँ पे हम एज यूजल नाइट f3 से सपोर्ट करते हैं आफ्टर qb6। ये बुक टू बुक मूव है, होता है कभी कभी मूव चेंजिंग, लेकिन मूव ऑर्डर बदलने के बाद भी पोजीशन यहीं पे आ जाती है। आफ्टर बिशप d3 bd7, कुछ लोग यहाँ पे पहले पोन मारते बाद में bd7 करते हैं, कोई सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कोई भी ओपनिंग तैयार करने के लिए। यहाँ पे हम करते हैं कैसल, वाइट का कैसलिंग होने के बाद ब्लैक एक पोन का एडवांटेज लेना चाहता है। c into d4, नाइट टेक्स d4, आफ्टर नाइट टेक्स d4, क्वीन टेक्स d4, और यहाँ नाइट c3 एक और पॉन सेक्रीफाइस करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्वीन टेक्स e5, क्वीन टेक्स e5 में रुक e1, ब्लैक ने खेला था qd6, नाइट b5, क्वीन b8, क्वीन b8 के बाद यहाँ क्वीन f3, क्वीन टेक्स पॉन के थ्रेट है यहाँ पे, बिशप d6। जनरली ये रेगुलर स्ट्रक्चर है। बिशप d6 के बाद नाइट टेक्स d6, क्वीन टेक्स d6, बिशप f4, क्वीन b6, b2 पॉन को टारगेट बनाया है, क्वीन g3, यहाँ आपको प्रेशर देना है g6 के ऊपर, फोर्स g6, या तो किंग f8 भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है। बिशप e5, फोर्स मूव f6, अब यहाँ सेक्रीफाइस है, बिशप टेक्स g6, एस टेक्स g6, क्वीन टेक्स g6, चेक, और यहाँ से गेम पूरे वाइट के कंट्रोल में है। बहुत ही अटैकिंग है, एक पीस सेक्रीफाइस करने के बाद अग्रेसिव ब्लैक ने खेला था यहाँ पे, और आखिरी में ब्लैक वाइट विन हो गया था, सॉरी वाइट ने खेला था अटैकिंग। दूसरी गेम देखते हैं, सेम मूव है, e4 e6 d4 d5 e5 then c5 c3 knight c6 knight f3 qb6 bishop d3 bd7 castle pawn takes pawn knight takes pawn knight takes knight और सॉरी हाँ ये पोजीशन लास्ट में आती है रेगुलर ओपनिंग में, एक मूव मिस हो गया है। तो आफ्टर नाइट c3 यही सिचुएशन से आगे बढ़ते क्वीन टेक्स e5 re1 क्वीन c7। इस गेम में ब्लैक ने थोड़ा मूव चेंज किया, क्वीन d6 के बजाय क्वीन c7 चुना, तो क्वीन c7 में नाइट इंटू d5 आता है,
जिससे क्वीन पे अटैक होता है, क्वीन d8 चला गया। और 20 साल पहले की गेम है 2002 की। बिशप f4 रुक आफ्टर क्वीन टेक्स बिशप नाइट c7 और नाइट टेक्स a8। दूसरी गेम e4 e6 d4 d5 e5 c5 c3 and c6 knight f3 after qb6 bd3 pawn takes pawn knight takes d4 queen takes d4 knight c3 और यहाँ पे ब्लैक ने एक मूव चेंज की है। अभी तक हमने देखा कि ब्लैक क्वीन टेक्स e5 करता है, बिशप d7 हो गया है यहाँ पे, और उसके बदले हम एक मूव मिस कर चुके हैं, यहाँ पे कैसल हो चुका है। हाँ, यहाँ पे क्वीन टेक्स e5 के बजाय क्वीन b6, ये वाइट ब्लैक ने एक मूव चेंज कर दिया। क्या होता है अगर क्वीन b6 यहाँ पे सिंपल क्वीन g4 g6 पे थ्रेट दिया, f5 ब्लैक रिप्लाई f5 इनटू f6 एंड पास नाइट क्रॉस f6 फिर क्वीन g3 g6 ब्लैक प्लेड, यहाँ सैक्रिफाइस बिशप टेक्स g6। फ्रेंच डिफेंस में बहुत सारी जगह से आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं। डीप में सोच के कहीं ना कहीं आपको इनिशिएटिव मिलता है। एच क्रॉस g6 आफ्टर क्वीन क्रॉस g6 चेक, किंग e7 बिशप g5 अब नाइट को बचाने के लिए क्या क्वीन d4 ओनली होप R8 D1 क्वीन को डिकॉय करेंगे। क्वीन के पास एक ही ऑप्शन है क्वीन E5 और यहाँ पे सैक्रिफाइस नाइट टेक्स D5। अब देखो क्वीन टेक्स D5 पॉसिबल नहीं है, नाइट टेक्स D5 पॉसिबल नहीं है, आफ्टर पॉन टेक्स D5 सिंपल RE1 एंड वाइट विनिंग द गेम। गेम नंबर 110 है ये। चलो एक और गेम देखते हैं। सेम सिचुएशन आ जाती है, e4 e6 d4 d5 e5 c5 c3। दोस्तों बार बार मूव करने से आपकी ओपनिंग एकदम श्योर हो जाती है। मैं बहुत बार ये खेल चुका हूँ सभी लाइंस, तो मुझे बहुत सारी लाइंस याद भी हैं। याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आप जितना डीप में इसमें खेलते रहोगे एक ही लाइन को बार बार, तो आपको एकदम रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई भी ओपनिंग प्रिपरेशन करने के लिए कोई भी गेम को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या चेंजिंग है देखते हैं। क्वीन b6 सेम दूसरी गेम है, और यहाँ पे वाइट ने चेंज किया था a4। इससे पहले हमने देखा कि क्वीन g4 वाली लाइन थी और वाइट ने इसमें चेंज किया a4। खेल सकते हैं अपने तरीके से नाइट e7, क्योंकि फ्रेंच के सामने
एडवांस वेरिएशन में बहुत सारा अटैक मिलता है। 97 जहाँ पे बिशप e3 अब b2 पॉन सेक्रीफाइस किया, लेकिन मारेगा नहीं, क्वीन d8 डिफेंस में जाना जरूरी है। बिशप g5 h6 ये एक ब्लंडर मूव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव यहाँ पे नाइट b5। अब देखिए आप, पॉन टेक्स बिशप नॉट पॉसिबल, नाइट d6 चेकमेट है, और बिशप टेक्स c6 भी बैड मूव है, क्योंकि बिशप टेक्स c6 चेक और नाइट इंटरपोज करेगा तो फिर उसकी क्वीन लॉस होगा। आफ्टर बिशप टेक्स c6 सिंपल बिशप टेक्स b5, और अगर नाइट इंटरपोज किया तो क्वीन लॉस है और क्वीन d7 में भी क्वीन मिलती है, तो बिशप टेक्स b5 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ब्लैक ने रिप्लाई दिया था नाइट b5 के सामने बिशप c6 ने अपने किंग के लिए स्पेस बना दी। नाइट d6 चेक, अब सबको इतना तो मिल ही जाएगा। आफ्टर किंग d7 नाइट क्रॉस f7 चेक, सॉरी फॉर क्वीन c7, ब्लैक ने यहाँ पे क्वीन को सेव किया। नाइट टेक्स रूक आफ्टर पॉन टेक्स बिशप। अब आप देख सकते हो यहाँ के वाइट के लिए एकदम इजी विनिंग है, क्योंकि एक्सचेंज अब भी हो चुका है और क्वीन सी क्वीन e2 वाइट प्लेड हियर, e5 पॉन को प्रोटेक्ट किया था। नाइट f5 ब्लैक ने रिप्लाई दिया, बिशप टेक्स f5, ई टेक्स f5 और e6 चेक, किंग e7, क्वीन h5, क्वीन f7 चेक की थ्रेट है, किंग टेक्स e6, रुक f e1, किंग d6, b4, यहाँ पे किंग का जो जाने का रास्ता है सब बंद कर दिया है। आफ्टर ब्लैक प्ले d4, क्वीन g6 और ब्लैक रिजाइन। अब ये गेम में आगे अगर गेम चलती भी है तो ज़्यादा देर तक रुकने वाली नहीं है, क्वीन टेक्स f4 और बहुत सारे थ्रेट्स वाले मूव्स कंटिन्यूस रहेगी। तो दोस्तों ये थी गेम फ्रेंच डिफेंस में मिनरल बेरी गैम्बिट्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और ओपनिंग भी सीखेंगे। मेरे सभी वीडियो आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको वन बाय वन हर एक वीडियो में कुछ नोवेटी देखने को जरूर मिलेगी, अलग ओपनिंग सीखने को मिलेगी। मिडल गेम और एंड गेम के बारे में भी हम वीडियो रखेंगे यहाँ पे आपके लिए। तो जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।